तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में पावर बीआई में हम बात कर रहे हैं विजुलाइजेशन, और विजुलाइजेशन में हम इसमें एक स्टैक बार चार्ट और स्टैक जो चार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है स्टैक बार चार्ट, देखिए अलग अलग चार्ट्स हैं, ये देखिए कॉलम चार्ट का ही पार्ट है स्टैक बार चार्ट, ये आपका स्टैक कॉलम चार्ट, ये आपका आता है कर्सर बार चार्ट, ये आता है आपका कर्सर कॉलम चार्ट, और यहाँ पे फिर 100% स्टैक और 100% आपका बार चार्ट। अब सबसे पहले इसको देखते हैं स्टैक बार चार्ट को ले लिया। अब इसमें मान लीजिए कि हमने नेम को डाला और हमने डाला इसमें अपने प्रोडक्ट, सॉरी क्वांटिटी को डाला, तो डालते हैं ये इसका बार चार्ट आपका दिख गया, राइट। जी। लेकिन इसी में अगर मैं वैल्यू दो वैल्यू डाल दू, जैसे कि मैंने डाल दिया दो वैल्यू, सॉरी इसमें मैं दो लेजेंड डाल देता हूँ, एक्सेस डाल देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें प्रोडक्ट को भी डाल देता हूँ, जी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं, कि सिंगल लाइन होता है, और प्रोडक्ट को उठा के लेजेंड में डालता हूँ, तो यहाँ देखिए आपके सामने एक्सिस में आप एक डालोगे तो उसके हिसाब से आपका एक्सिस है ना, ये एक्सिस तैयार होगा, उसकी की टोटलिंग के हिसाब से पूरा आपका बार तैयार होगा। लेकिन जैसे ही अनोदर नेम को उठा के अगर आपने डाल दिया किसमें, प्रोडक्ट में तो फिर वो लिंक क्या को करेगा, जी बोल हेलो, हेलो हाँ सर बोले कि जैसे किसी किसी को उठा के हमने लेजेंड में डाला, तो लेजेंड में डालते ही क्या होता है कि उस जितने जो जी पर्सन नेम है उसके पार्टीशन हो जा रहे हैं, जी तो उसके हिसाब से उसका पार्टीशन कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टीशन कर दे रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं दो वैल्यू को डालू, जैसे कि मैं यहाँ हम अमाउंट को भी डाल देता हूं इसमें वैल्यू, तो उसके भी आपको भी पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जी। पहला चीज समझ में आ गया आपको, इसमें एक्सेस क्या करता है, लेजेंड क्या करता है, वैल्यूज क्या करता है, तीनों समझ में आ गया विदाउट इसमें। अब बोले सर यहाँ पे टूल टिप क्या करता है, देखिए टूल टिप का कोई ऐसा यूज नहीं है, जैसे मान लीजिए सेल्स मोड को अगर मैं टूल टिप पे डाल दूं तो यहाँ पे इससे कोई यहाँ आपके चार्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक क्या होगा कि इस पे टिप्स में आएगा, इस पे क्लिक आपने किया तो ऊपर देख रहे हैं इंदर नेम अमाउंट इतना है और फर्स्ट सेल्स मोड क्या है एफिलेटेड है, ठीक है सर। टूल टिप में डालने पे ही होता है। अब इसमें इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं, तो ये फॉर्मेट वाला चैप्टर है इसमें हम आते हैं। सबसे जी जनरल फॉर्मेटिंग है जो वही होता है कि इसमें ये आपका इसकी पोजीशन क्या होगा, हाइट क्या होगा, बैग लेयर ऑर्डर करना है नहीं करना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल टेक्स्ट में कर्सर जाने पे क्या दिखना चाहिए, वाई एक्सिस, जो नीचे जो एक्सिस दिखता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए, लेफ्ट एक सब पोजीशन लेफ्ट से होना चाहिए या राइट से होना चाहिए, दिख रहा है। जी और उसकी कलरिंग क्या होनी चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, और इसकी साइज छोटा है या बड़ा है, और बड़ा करना है आपको तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। जी मिनिमम कैटेगरी और मिनिमम मैक्सिमम साइज वगैरह यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, ये कौन सी साइज है, ये इसकी साइज है, परसेंटेज के मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, इनर पेंडिंग, बाकी फॉर्मेटिंग है ऐसे ही आपका वाई एक्सिस के लिए भी है, ठीक है। डेटा कलर्स,
जो डेटा है यहाँ पे और उसका शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जितने भी डेटा है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं मोहन का कलर कुछ और जी चाहते हैं कि मोहन का कलर कुछ और, क्या बोले वहां से चेंज कर सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर बंदा का। हाँ तो यहाँ जैसे कि आपने डेटा कलर पे आइएगा ना, तो जितने भी पर्सन के नेम होंगे सारा कलर आ जाएगा। जैसे मुझे मान लीजिए मोहन का चेंज करना है, तो मैं यहाँ से मोहन को क्लिक करके अलग कलर दे दूंगा। ठीक है, जी। और एक कलर में भी आपका यहाँ से कलर को भी दे सकते हैं, कि अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो यहाँ नीचे आपका यह आता है कस्टम कलर कोड भी दे सकते हैं। उसके बाद डेटा लेवल्स, अब इसमें कितना डेटा है नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे ऑन करेंगे तो इसका डेटा लेवल यहाँ पे शो हो जाएगा, और लेवल का कलर क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट मतलब कि अभी के में है ना, आप नन कर दोगे तो पूरा अमाउंट दिखेगा, थाउजेंड में चाहिए थाउजेंड में, मिलियन में बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ओवरफ्लो टेक्स्ट करना है या नहीं करना है, मतलब कि इसके ऊपर से ओवरफ्लो कर देना है कि नहीं कर देना है, इसकी साइज बढ़ाना है तो इसको साइज बढ़ा सकते हैं। ओके सर, जी। उसके बाद इसी तरह से आपकी टोटल का जो लेवल है, टोटल का जो लेवल है वो होगा सो होना चाहिए, सोना होना चाहिए। उसके बाद बाकी वही प्लॉट एरिया, साइज एरिया, बैकग्राउंड, इसके अंदर बैकग्राउंड में क्या देना है आपको वो कर सकते हैं, बॉर्डर कितनी सॉलिड कितनी, इसी का आपका पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग दिया होता है। जी। बाद तीसरा आता है एनालिटिक्स। में इसमें इसके ऊपर इसमें एनालिटिक्स जो है चार्ट के हिसाब से डेटा के हिसाब से यहाँ पे शो करता है। जैसे शो किया कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट लाइन अगर ऐड करते हैं आप तो यहाँ एक लाइनिंग दिख रहा है आपको, एक लाइनिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं, दिख रहा है। ओके 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 मैं यहाँ पे 10,000 दे देता हूँ, 10,000 लाइन आ गई ना। टारगेट सिस्टम में ऐड कर सकते हो आप। अच्छा, कलर जो है मैं एक काम करता हूँ, इसकी कलर में रेड दे देता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 0% कर देता हूँ, पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, और ये आपको डैश नहीं, मुझे सॉलिड लाइन चाहिए, तो सॉलिड लाइन आ जाएगा आपका। पोजीशन फ्रंट में चाहिए या बिहाइंड चाहिए, पीछे चाहिए या ऊपर चाहिए। ओके, डेटा लेवल ऐड करना है इसमें, तो ऊपर 10,000 दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखाना है तो क्लिक कीजिए दिख जाएगा। क्लियर है सर? जी। अब सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास दूसरा विजेशन आता है स्टैक कॉलम, तो सेम यही चीज है, बट इसका एंगल चेंज किया गया। इसमें भी आपका सेम है कि आपने नेम को उठाया, इसमें रख दिया एक्सिस में, आपने प्रोडक्ट को लेजेंड में रख दिया, और आपने क्वांटिटी को रख दिया वैल्यू में, उसी हिसाब से। अगर मैं लेजेंड हटा दूं तो आपको सेम लाइक कॉलम चार्ट की तरह दिखेगा। ओके, इसके ऊपर भी वही सारी फॉर्मेटिंग है जो हमने वहां इसमें की है फॉर्मेटिंग। ओके, और इसमें भी एनालिटिक्स पे जाते हैं, तो इसमें भी आपको कांस्टेंट लाइन मिलता है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करते समय यहाँ आप वैल्यू शो कर सकते हैं कि किस कितना वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और उसकी भी पूरी ट्रांसपेरेंसी, उसकी कलर वगैरह आप यहाँ चेंज कर सकते हो, डैश चाहिए या सॉलिड चाहिए। ठीक है, यूज कर सकते हैं जी। बाकी फॉर्मेटिंग आपकी बिल्कुल सेम है। ठीक है जी।
तीसरी चार्ट आपकी आती है ए वाली, कर्सट बार चार्ट। अब बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी आपको फर्क दिख जाएगा। जैसे कि अब इसमें हमने दिया प्रोडक्ट, सॉरी मैं इसको देता हूँ नेम को यहाँ रखा, उसके बाद हमने यहाँ क्वांटिटी को वैल्यू में रख दिया, वैल्यू रख दिया, सेम दिख रहा है। जी वापस क्या करता हूं, प्रोडक्ट को लेता हूं, लेजेंड में डाल देता हूँ लेजी में डाल देता जी, हूं। सर काम कर गया नहीं समझ में आया क्या हुआ? जी। एक में मैं प्रोडक्ट को डालता हूँ, साइट को डालता हूं, साइट साइट छोटा छोटा अमाउंट है इसलिए। तो ये क्या हुआ कि इसने डबल डबल बार कर दिया, इसी का पार्टीशन नहीं किया, क्योंकि ये इसकी बात कर रहे थे पार्टीशन कर दे रहा था ना, और मैं इसको इससे जी चेंज करता हूं तो पार्टीशन दिख गया। जी ये पार्टीशन और इस पे जब मैं क्लिक किया तो इसने अलग अलग, जी पॉलिटिकल बस यही इसमें फर्क है, बाकी इसकी भी सब कुछ सेम है जो आपने फॉर्मेटिंग की है। इसमें भी आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। देखिए हमने बताया था ना कि जो एनालिटिक्स है चार्ट्स के, और चार्ट्स के अंदर डेटा के हिसाब से बढ़ता करता है। इसमें कॉन्स्टेंट लाइन है, मिनिमम लाइन है, मैक्सिमम लाइन है, एवरेज लाइन है, मीडियन लाइन है एंड परसेंटेज लाइन है। जी जैसे मैं एवरेज लाइन पे ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये इसकी एवरेज निकाला, और एवरेज के हिसाब से इसने लाइनिंग दे दी। मैक्सिमम लाइन निकाला तो इसकी सेल्स की मैक्सिमम निकाला और मैक्सिमम पे दे दी, अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसने। मिनिमम मीडियन आपका यहाँ पे लिया और मीडियन के हिसाब से डाल दिया, इसका मीडियन निकाला क्वांटिटी का, ठीक है। और अब यहाँ पे परसेंटेज लाइन भी यहाँ पे दे दिया कि 90% पे कर दिया। आप चाहते नहीं नहीं इसकी टोटल की 50% होना चाहिए, तो मैक्सिमम का 50% हमने किया तो 50% पे आ गया। सर जी और सेम चीज आपका कर्सर कॉलम चार्ट में भी है, वही सेम चीज है। अब बोले इसमें क्या है, तो ये 100% स्टैक चार्ट है, इसमें हमेशा एक ही लाइन बनेगी, जितना भी क्यों ना करे एक ही लाइन बनेगी और दोनों के बीच में उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दिख रहा है ना सर? जी मैं इसको इस पे जो है डेटा डेटा कलर में डेटा लेबल ऑन करता हूं, दिखे ना सर? जी बीना का जो सेल है उसमें हमारा आईपीटी जी इंडिया का 40% है और 53% इसका है। डेटा लेवल में मैंने समझे सर, जी ये लाइनिंग पूरा समझ में आ गई? अब जी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल के डेट में नीचे वाली लाइनिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, बाय ओके बाय। बाय।